नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फैशन मेकिंग और फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज के माध्यम से आपको कुछ ऐसे बेसिक टॉप विद ड्रेस, जिससे कि आप टॉप भी बना सकते हैं और ड्रेस भी बना सकते हैं इसके हिसाब से, तो मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये विशेष करके जो है, खास करके प्रिंसेस लाइन का एक टॉप बनाया गया है, ये देखिए, जिसमें आपको ये और ये लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ से आपका डार्ट निकला हुआ है। अब यहाँ से आप ये देखिए कि 2.5 सेंटीमीटर का जो है आपका ये डार्ट यहाँ आर्मोल से निकाला गया है, और 5.5 सेंटीमीटर का जो है ये आपका बॉटम से निकाला गया है। अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, देखिए कि हमारी जो एक मेन लाइन जो है, ये हमारी सीधी लाइन है। ये सीधी लाइन के बाद में हमने यहाँ से क्या किया कि हमने पहले फर्स्ट नेक ड्रॉप रखा। नेक ड्रॉप हमारा जो है, ये हमारा टोटल 16 सेंटीमीटर, इसका आधा 8 सेंटीमीटर, ये देखिए कि ये हमारा 8 सेंटीमीटर है। और यहीं से हम इसका जो है शोल्डर मेजर करते हैं, तो शोल्डर हमारा ये 39 सेंटीमीटर है, और शोल्डर स्लोप जो है ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। हाफ शोल्डर हमारा जो है ये लगभग 12 सेंटीमीटर का है। अब ये हमारा एक सेंटर फ्रंट है, जब हम इसको बनाएंगे तो हम पेपर को फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करने के बाद में हम इसको बनाएंगे। और ये हमारा जो है, यहाँ से देखिए आप, हमारा HPS से जो है हमारा ये नेक ड्रॉप जो है यहाँ पर, ये 7 सेंटीमीटर है HPS सीम से। ये हमारी जो HPS सीम है, यहाँ से 7 सेंटीमीटर है, और यहीं ही से हमारा जो है ये 15 सेंटीमीटर हमारा जो है ये इसका अक्रॉस फ्रंट है। अक्रॉस फ्रंट जो हमने इसका लिया है, ये हमारा 33 सेंटीमीटर के करीब है ये। और हमारा जो ये फ्रंट का लेंथ जो है, ये हमारा यहाँ तक देखिए कि HPS से और हमारा यहाँ बेस्ट सीम तक जो है ये 42.5 सेंटीमीटर है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, अब देखिए कि इसकी बैक और फ्रंट दोनों की चेस्ट में जो है इतना अंतर होता है, इसमें कम से कम नहीं तो 9 सेंटीमीटर का फर्क है। बैक आपकी जो है वो 9 सेंटीमीटर छोटी होगी और फ्रंट आपका 9 सेंटीमीटर बड़ा होगा। तो इसलिए जो है इसके अंदर फ्रंट में हम किसी प्रकार की कोई लूजिंग ईच जो है वो नहीं देते हैं। ये हमारी फ्रंट जो है पूरा जो है वैसे पूरा टोटल जो है हमारा फ्लैट गारमेंट्स जब होगा तो हमारा 55 सेंटीमीटर होगा, और जब हम हाफ में हाफ फोल्ड करके इसको बना रहे हैं तो हमारा 27.5 सेंटीमीटर है। ये देखिए यहाँ से, और ये आर्म होल से 2.5 से 3 सेंटीमीटर हम इसको नीचे लेते हैं। जहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि ये 2.5 या 3 सेंटीमीटर भी हम ये मान करके चलिए कि 3 सेंटीमीटर पे हमारा जो है बस्ट आती है नीचे। और जब हम यहाँ से देखते हैं HPS से, और हमारा जो निपल पॉइंट होता है ये हमारा 26 से 27 सेंटीमीटर के बीच में आता है, तो ये हमारा इसमें जो है लगभग 26 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर ये आया है ये। तो और इसी तरीके से जो हमारी वेस्ट है, ये देखिए वेस्ट लाइन जो है ये हमारी, ये फ्रंट की वेस्ट जो है ये हमारी 42 सेंटीमीटर है यहाँ पर, क्योंकि वैसे हमारी जो इसकी वेस्ट जो होगी फ्रंट की, ये हमारी फ्रंट वेस्ट जो है यहाँ लगभग 36.5 से 37 सेंटीमीटर के करीब होगी, और जो कि हमने यहाँ पे इसके अंदर लगभग 5 सेंटीमीटर जो है वो फालतू एक्स्ट्रा हमने एक लूजिंग दिया है। लूजिंग देने के बाद में यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये हमारी साइड है। अब कोई भी लेडीज अगर इस गारमेंट्स को पहनती है तो वो पहन नहीं सकती, क्योंकि ये शोल्डर से नीचे नहीं उतरेगा, और जब तक शोल्डर से नीचे नहीं उतरेगा वो पहन नहीं पाएगी। इसलिए जो है यहाँ पर जो है हमें साइड में एक जिप डाल सकते हैं, तो हम इसमें जिप डाल सकते हैं, तो यहाँ पर हमारी जिप आ जाएगी। इस तरीके से हमारा ये फ्रंट का जो है ये हमारा कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ से यहाँ अक्रॉस फ्रंट जो है ये मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा रहा हूँ कि अक्रॉस फ्रंट जो है ये 33.5 से 34 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फ्रंट नेक ड्रॉप जो है 7 सेंटीमीटर, और HPS से हमारा जो अक्रॉस फ्रंट है 15 सेंटीमीटर, HPS से हमारा आर्म होल डेप्थ जो है वो 24.5
5 सेंटीमीटर यानी कि 24.5 सेंटीमीटर, और आपका वेस्ट जो है ये आपका हमारा जो है 42.5 सेंटीमीटर 42.5 सेंटीमीटर पर हमारा यहाँ पर ये आता है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये फ्रंट का पैटर्न जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में आप आ जाइए यहाँ पर, देखिए ये हमारी एक बाजू है। अब ये जो नोच आप देख रहे हैं ये नोच हमारे बैक के सीम में, जो हमारी बैक की सीम होगी वो यहाँ पर होगी, दूसरा ये हमारा ऊपर एक निशान होगा ये वहाँ पर ऊपर से मिलेगा। ये नोच आप देख रहे हैं ये नोच हमारा इस सिलाई से मिलेगा आकर के, और ये हमारा नोच जो है ये हमारा सेंटर सीम से शोल्डर पे मिलेगा आकर के, और यहाँ पर ये हमने इसके अंदर से एक डार्ट निकाल दिया है जो कि 3 सेंटीमीटर का है। ये हमारी बाजू की लेंथ जो है ये हमारी 16 सेंटीमीटर है। इसके अंदर से हमने जो है इसमें जो कैप हाइट जो लिया है वो हमारा 14.5 सेंटीमीटर है, और हमारा स्लीव बिड्थ जो है जो आर्म बिड्थ जो कहलाता है ये हमारा 35 सेंटीमीटर सरकम में है। तो इस तरीके से हमारा ये बाजू बन करके तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना आप इसमें लंबा ड्रेस बनाना चाहते हैं या लंबा टॉप बनाना चाहते हैं जो भी इसके नीचे। वैसे मैं आपको एक अभी सेकंड पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि हमने इसके अंदर एक स्कर्ट दिया है जो हमारा स्कर्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्गर होगा। तो 25 सेंटीमीटर लॉन्गर का मतलब ये है कि ये देखिए हमने ये 25 सेंटीमीटर यहाँ पर लॉन्गर देने के बाद में ये हमारा निया अबाउट 67 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट हमारा जो है ये लंबा जो है एक मिनी टॉप जो है हमारा ये तैयार होगा। अब इसके अंदर हम जब ड्रेस के अंदर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हम अपने स्कर्ट की लेंथ जितनी हम चाहें उतनी जो है हम इसको रख सकते हैं। ये देखिए कि हम इसको अगर लगभग हम मान करके चले कि हम 84 सेंटीमीटर भी अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम 42 सेंटीमीटर का इसमें एक स्कर्ट डाल देंगे तो हमारे ये ड्रेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये ड्रेस और टॉप हम दोनों इसके अंदर बना सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें जितने भी तरह के गले बनाना चाहें वो आप गले बना सकते हैं, चाहे नेक बेड आपको जितना भी बड़ा रखना हो जितना छोटा रखना हो। बेसिकली ये आपका एक बेसिक टॉप है और ये अकॉर्डिंग टू बॉडी मेजरमेंट्स है, तो इसमें आपको कुछ भी इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप इसको बनाइए और फ्यूचर में आगे बढ़िए, और देखिए कि हमारा पैटर्न कोड नंबर है LDA-001। थैंक यू।